हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज है वैलेंटाइंस डे, तो हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये ब्यूटीफुल सा मेकअप लुक, जो कि स्पेशली वैलेंटाइंस डे वाले दिन आप कर सकते हो। और ये बहुत ही इजी, बहुत ही क्विक होने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है हमारे पास रेडी होने के लिए। सो या गाइज, विदाउट फर्दर डू, लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द वीडियो एंड स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रोडक्ट के साथ। तो यहाँ पर मैं प्लम का विटामिन सी टोनर ले रही हूँ, जो कि बहुत ही रिफ्रेशिंग टोनर है। एंड उसके बाद मैं लूँगी ये लॉरियल का रिवाइटल लिफ्ट सीरम, जो कि बहुत ही अच्छा सीरम है समर्स के लिए और ऑयली स्किन वालों के लिए। ड्राई स्किन वालों के लिए मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी। सो नेक्स्ट यहाँ पे लूँगी प्राइमर, जो कि स्विस ब्यूटी का टिंटेड प्राइमर है। और यहाँ पे मैं मैट फाउंडेशन अप्लाई करूँगी, इसलिए मैं टिंटेड प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, जिससे मेरी फाउंडेशन बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएगी और बिल्कुल भी केकी नहीं होगी। सो यहाँ पे मैं ब्राउज़ के लिए ले रही हूँ यूरोप गर्ल की ये ब्राउ पैलेट। तो ये बहुत ही अच्छी ब्राउ पैलेट है, मेरी फेवरेट हो चुकी है। इससे पहले मैं स्विस ब्यूटी की यूज़ करती थी, जो कि वो भी मेरी बहुत ही फेवरेट थी, बट जब से ये यूज़ कर रही हूँ मैं कोई और ब्राउज़ के लिए कुछ और यूज़ नहीं करती हूँ, एंड पाउडर्स हमेशा अच्छे होते हैं ब्राउज़ के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे मैं स्विस ब्यूटी का ये कंसीलर ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगी, अगर आपके बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं तो आप कंसीलर अप्लाई करो, और अगर आपके डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत नीड नहीं लग रही है आपको, तो सिर्फ फाउंडेशन के साथ आप कवर अप कर सकते हो। तो इसको मैं सेट कर लूँगी नायका के कॉम्पैक्ट पाउडर के साथ। अच्छे से इसको सेट कर लें ताकि जो आई शेडोज है अच्छे से ब्लेंड हो जाएं। नेक्स्ट यहाँ पे मैं माई ग्लैम की ये आई शेडो पैलेट ले रही हूँ, छोटी सी आई शेडो पैलेट, लेकिन बहुत अमेजिंग सी इसमें आई शेडोज हैं, जिससे बहुत सारे लुक्स आप क्रिएट कर सकते हो। और इसमें मैंने ये ब्राउन शेड लिया, जिसको मैं आउटर कॉर्नर पर प्लेस करके ब्लेंड कर रही हूँ और थोड़ा सा इनर साइड उसको पुश करूँगी। नेक्स्ट यहाँ पे मैं एक लाइट पिंक कलर का आई शेडो ले रही हूँ, जो कि मेरा इनर साइड मैंने अप्लाई किया है। तो ये जो आई मेकअप बहुत ही इजी था, इसलिए मैंने सिर्फ बहुत ज़्यादा हॉचपच नहीं किया, बस दो ही आई शेडोज यूज़ किए हैं और थोड़ा सा डार्क लाइट, और बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सॉफ्ट लग रहा था। और लास्ट में थोड़ा सा ब्राउन आई शेडो मैंने फिर से लेके उन दोनों कलर को अच्छे से मर्ज कर दिया है। और उसके बाद आपको लेनी है एक टी या फिर कॉफ़ी ब्रेक, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। सो गाइज, आई एम जोकिंग, मैं बस थोड़ा सा एक कॉफ़ी ब्रेक ले रही थी। एंड उसके बाद मैं लूँगी ये मेबिलिन फिट मी की फाउंडेशन, जो कि पम्प वाली ये एक नई फाउंडेशन आई है, बट फार्मूला वही है, टेक्सचर वही है, बहुत ही अमेजिंग फाउंडेशन है और मोस्टली सबके पास होती है। इसको मैंने अपने हैंड्स के ऊपर ब्लेंड किया है, देन उसके बाद मैं डैब डैब करके अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। और उसके बाद ये अमेजिंग सा ब्यूटी टूल, जो कि ब्यूटी ब्लेंडर जिसको बोलते हैं, वो उसके साथ मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। जितने भी इसको रिसर्च किया ना, जिसने भी इसको निकाला है या फिर बनाया है, इन्वेंट किया है, ये टूल बहुत ही अमेजिंग है। मतलब वो हमारा दर्द समझता होगा कि ब्रश के साथ स्ट्रोक्स आते हैं, इसलिए ब्यूटी ब्लेंडर इज़ द बेस्ट टूल टू ब्लेंड फाउंडेशन। बहुत अच्छे से फाउंडेशन को ब्लेंड कर देता है, चाहे फाउंडेशन हो चाहे कंसीलर हो। तो उसके बाद मैं अपने अंडर आईज पे ये कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। अगेन, इट्स टोटली अप टू यू, अगर आपको नीड है तो आप अप्लाई करें, नहीं तो आप डायरेक्टली फाउंडेशन से ही कवर अप कर सकते हैं। ऐसा बहुत ज़्यादा नीड नहीं है एक्स्ट्रा कवरेज की। सो उसको भी मैं ब्यूटी ब्लेंडर के साथ अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद मैं अपने फेस को सेट कर लूँगी कॉम्पैक्ट पाउडर के साथ, विद द सेम नायका कॉम्पैक्ट पाउडर। और मैं ब्रश यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है, इसलिए मैं पैट बिल्कुल नहीं करती हूँ जो उसके स्पॉन्ज के साथ, हमेशा ब्रश ही यूज़ करती हूँ। एंड मेरा फेस काफ़ी ज़्यादा वो लग रहा था, बेयर लग रहा था, या कैसे तो फ्लैट लग रहा था, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा लाइट सा कॉन्टोर करूँगी। ये भी अगेन आपकी चॉइस है। और ये मैंने मेबिलिन फिट मी का एक डार्केस्ट कॉम्पैक्ट पाउडर था, उसको मैं एज अ कॉन्टोर पाउडर भी यूज़ कर लेती हूँ। सिर्फ अपनी चीक्स को कॉन्टोर करूँगी और बहुत ज़्यादा कॉन्टोरिंग नहीं करने वाली हूँ यहाँ पे मैं। और ये बहुत ही अच्छा हैग है कि अगर आपके पास कॉन्टोर पाउडर नहीं, तो कोई भी डार्केस्ट कॉम्पैक्ट पाउडर को कॉन्टोर पाउडर बना सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे मैं मेकअप रेवोल्यूशन का ये ब्लश ले रही हूँ, जो कि अगेन बहुत ही अमेजिंग जो ब्लशर है, मैं जब से यूज़ कर रही हूँ बस यही यूज़ कर रही हूँ। इवन कि मुझे शुगर कॉस्मेटिक्स का भी ब्लशर अच्छा नहीं लगता, जब से मैंने ये वाला यूज़ करना स्टार्ट किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। नेक्स्ट यहाँ पे मैं लॉरियल पैरिस का ये लैश पैराडाइज मस्कारा ले रही हूँ, और यहाँ पे मैं कोई भी आईलाइनर नहीं अप्लाई करने वाली हूँ, क्योंकि ये लुक हम सॉफ्ट और बोल्ड दोनों ही करने वाले हैं, इसलिए आईलाइनर की इतनी ऐसा नीड नहीं है। आईलाइनर आप हमेशा लगाते हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंट कर सकते हैं आप आई मेकअप के साथ, सिर्फ मस्कारा अप्लाई करें और बहुत ही अमेजिंग लुक आता है, बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आता है डायरेक्टली मस्कारा अप्लाई करने के बाद। एंड उसके बाद फेसिस कैनेडा के ये मेकअप सेटिंग स्प्रे के साथ मैं मेकअप को सेट कर लूँगी, बहुत अच्छे से मेकअप सेट कर देता है ये, बहुत ही अच्छा ये सेटिंग स्प्रे है। एंड
गाइज, उसके बाद आपको अच्छे से अपने फेस को ड्राई होने देना है, बिल्कुल भी टच नहीं करना है। एंड यस, और बस लास्ट में हम अप्लाई करेंगे हाईलाइटर, जो कि हमारा मेकअप का बहुत ही मेन पार्ट होता है। हाईलाइटर थोड़ा सा आपको ग्लोई इफेक्ट देता है, अगर आप कहीं रात में बाहर जा रहे हैं, इवन कि आप डे टाइम पर भी जा रहे हैं, तो हाईलाइटर बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है फेस के ऊपर। सो यहाँ पे नेक्स्ट मैं अप्लाई करूँगी लिपस्टिक, तो सॉरी अभी तो मैं काजल नहीं अप्लाई कर रही, सॉरी ये वॉइस ओवर तो मैं भाग रही हूँ। सो यहाँ पे मैं लैक्मे आइकॉनिक का ये वाइट काजल अप्लाई कर रही हूँ। वैसे आजकल बहुत सारे काजल्स आ गए हैं, बट मेरे पास ये पड़ा था तो मैंने ये यूज़ कर लिया। इससे आपकी आईज थोड़ी सी बोल्ड नज़र आती है, बड़ी नज़र आती है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं लिप लाइनर और लिपस्टिक दोनों दिखाने की कोशिश कर रही थी, बट पोपट हो गया। तो यहाँ पे फर्स्ट मैं ये स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर यूज़, और उसके बाद मैं अप्लाई करूंगी लिपस्टिक, जो कि नायका पेंस्टिक्स की लिपस्टिक है। सो यस गाइस, आई एम डन विद द मेकअप, एंड मैंने यहाँ पे डार्क और न्यूड लिपस्टिक्स दोनों के साथ लुक्स शेयर कर दिए, और दोनों ही डिफरेंट कैमरे से मैंने शूट किए हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको डिफरेंस लग रहा होगा। सो यस गाइस, ये था मेरा फाइनल लुक, एंड आई रियली होप आपको मेरा आज का लुक अच्छा लगा होगा, और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सा वाला लुक अच्छा लगा, लाइट और डार्क। सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।